हैप्पी हेल्दी वेल्दी टाइम्स। आज मैंने बनाई है टमाटर की मीठी चटनी। इसको बनाना बहुत आसान है और ये झटपट से 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाया जाता है। टमाटर की मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने 800 ग्राम टमाटर लिया है। तो ये देसी टमाटर है। टमाटर हम पका हुआ लेंगे और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और अब हम इसको काट लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से पतला पतला टमाटर हम काट लेंगे। ये मैंने सारे टमाटर को काट लिया है। टमाटर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और मोटा भी नहीं है, इसी तरीके का काटना है। और अब हम चटनी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, गैस को ऑन कर दिया है और पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। तो ये मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं या फिर आप जो भी तेल खाते हो उसमें बना सकते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 तेज पत्ता। तेज पत्ता को पहले हम पका लेंगे। तेज पत्ता पक जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 लाल मिर्च। जीरा और लाल मिर्च को भी पका लेंगे। जीरा लाल मिर्च भी पक गया है और अब हम इसमें डालेंगे ये जो टमाटर को काट के रखा है। सारा टमाटर हम इसमें डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच नमक। नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाएगा और चटनी में टेस्ट भी अच्छा आएगा। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लेंगे सारी चीजों को अच्छे से। और अब हम टमाटर को ढक के मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे तब तक जब तक कि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए। तो अभी इसको ढक देते हैं और पकने देते हैं। टमाटर गल गया है अच्छे से। इसको मैंने बीच में 3 बार चेक भी किया जिससे कि ये बर्तन में जो है वो चिपके नहीं। और चम्मच की मदद से इसको हम इस तरीके से दबाते हुए मैश करेंगे। इस तरीके से टमाटर अच्छे से मैश हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे 5 टेबल स्पून भूरा। भूरा की जगह पे आप चीनी भी डाल सकते हैं, इसमें गुड़ डाल सकते हैं। और टमाटर जो है, देसी टमाटर खट्टा होता है तो इसीलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ इसमें भूरा। मिला लेंगे इसको अच्छे से। वैसे आप अपने हिसाब से मीठा ज़्यादा कम डाल सकते हैं इसमें। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा और डाल सकते हैं आप इसमें। इसमें डालेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा आप डालेंगे इसमें तो इसका जो टेस्ट है चटनी का वो बहुत अच्छा आएगा। इसको मिला लेंगे। मसाला डालने के बाद इसको हम ढक के 2 मिनट तक और पकाएंगे। 2 मिनट हो गया है और चटनी बन के रेडी है।
मिला लेंगे इसको एक बार अच्छे से। गैस को ऑफ कर देंगे और चटनी को एक बोल में निकाल लेंगे। ये मैंने चटनी को बोल में निकाल लिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।